नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा और बहुत असरदार उपाय लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज के दैनिक जीवन में अक्सर बच्चों को नज़र लग जाता है। दोस्तों, बच्चों को नज़र लगना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी चंचलता जो होती है, उनका जो मनमोहक रूप होता है, उसे देखकर कहीं न कहीं बच्चों को नज़र लगना स्वाभाविक होता है, बच्चों को नज़र लग जाता है। और जब बच्चों को नज़र लगता है दोस्तों, ऐसे में माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। कभी डॉक्टर के पास जाना, कभी किसी झाड़ फूक वाले के पास जाना, तो बहुत ज़्यादा चिंतित होते रहते हैं। तो दोस्तों, इस सब चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए आज मैं आपको सामने एक बहुत ही असरदार उपाय लेकर उपस्थित हूँ। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो 100% आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों बात करते हैं हम उपाय की। दोस्तों, 5 साबुत मिर्च 5 नमक की छोटी छोटी डली लेकर बच्चे पर 5 बार उतार कर तुरंत आग या चूल्हे में डाल दें। नज़र लगे बच्चे को मिर्च जलने की तीक्ष्ण गंध नहीं आएगी और नज़र उतर जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, बिना बोले और बिना टोके यह उपाय होना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी माता पिता या रिश्तेदार की नज़र भी बच्चे को उसकी चंचलता के कारण लग सकती है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में बासी मुंह बच्चे पर थुतकारा डाला जाए और यह रामबाण का कार्य करता है। यह उपाय दोस्तों अगर आप करते हैं तो 100% लाभ मिलता है। और दोस्तों, यदि आपको जिस व्यक्ति पर संदेह है उसी व्यक्ति से थुतकारा डलवाते हैं तो और जल्दी लाभ मिलता है। इसके बाद दोस्तों, आप हनुमान मंदिर में जाकर प्रेम पूर्वक हनुमान जी के कंधे का सिंदूर लाकर नज़र लगे हुए बच्चे के माथे पर लगाने से बुरी दृष्टि का प्रभाव दूर होता है। यदि उस दिन मंगलवार हो, शनिवार हो या पूर्णिमा हो तो तुरंत चमत्कारिक ढंग से बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपके घर में या तो आपके रिश्तेदारों में या तो किसी भी ऐसे बच्चे को अगर नज़र लगती है तो यह आप उपाय करते हैं तो 100% आराम मिलेगा और उसको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।